आज का हमारा टॉपिक है ऑफसेट, जिसका शॉर्टकट ओ होता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम कमांड विंडो में एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। इसके बाद ऑफसेट कमांड को एक्टिवेट करने के लिए कमांड विंडो में ओ एंटर करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि कमांड विंडो में स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस शो हो रहा है, तो हमें डिस्टेंस स्पेसिफाई करना होगा। सपोज डिस्टेंस 1 स्पेसिफाई करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब हम कर्सर की हेल्प से ऑब्जेक्ट के नीचे की तरफ क्लिक करेंगे तो वहां ऑफसेट शो होगा। वैसे ही ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे तो वहां भी ऑफसेट शो होगा, जिसका डिस्टेंस 1 होगा। अब हम डायमेंशन में जाके ऑब्जेक्ट का डायमेंशन देंगे तो हम देख सकते हैं कि डायमेंशन 1 शो हो रहा है, जो हमने कमांड विंडो में स्पेसिफाई किया था। अब हम लाइन कमांड की हेल्प से वर्किंग एरिया में एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। अब हम ऑफसेट कमांड को एक्टिवेट करके डिस्टेंस स्पेसिफाई करेंगे, सपोज 0.2, और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट साइड में क्लिक करेंगे तो वहां डिस्टेंस शो होने लगेगा। अब हम देख सकते हैं कि वर्किंग विंडो में जो ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ है उसमें जो लाइन इंटरसेक्ट है उसे कट करनी है और जो लाइन ओपन है उसे कनेक्ट करनी है। इसे कनेक्ट करने के लिए हम एक्सटेंड कमांड का यूज करेंगे। एक्स कमांड को एक्टिवेट करने के लिए कमांड विंडो में ईएक्स टाइप करेंगे और एंटर को डबल प्रेस करेंगे। इसके बाद कमांड विंडो में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से हम एज पर क्लिक करेंगे, फिर एक्सटेंड पर क्लिक करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट में जो दो लाइंस ओपन हैं उन्हें सिलेक्ट करेंगे या फिर उन दोनों पर क्लिक करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि दोनों लाइंस कनेक्ट हो गई हैं। अब इंटरसेक्ट लाइन को कट करने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और इंटरसेक्ट लाइन पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि वो रिमूव हो गई है। अब हम फिर से लाइन कमांड की हेल्प से एक सेम ऑब्जेक्ट जनरेट करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कमांड विंडो में जॉइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि जो लाइन है वो वन एंटिटी में कन्वर्ट हो गई है। अब हम फिर से ऑफसेट कमांड को एक्टिवेट करेंगे और डिस्टेंस स्पेसिफाई करेंगे, सपोज 0.2, और एंटर प्रेस करेंगे और फिर से ऑब्जेक्ट को क्लिक करके राइट साइड पर क्लिक करेंगे और वर्किंग विंडो में एक रेक्टेंगल जनरेट करेंगे जिसकी लेंथ 3 और विड्थ 2 है। अब ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करके ऑफसेट डिस्टेंस 0.3 स्पेसिफाई करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। फिर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके रेक्टेंगल के अंदर क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल के बाहर भी क्लिक करेंगे। डायमेंशन का यूज करके ऑब्जेक्ट का डायमेंशन देख सकते हैं। अब हम रेक्टेंगल कमांड का यूज करके वर्किंग एरिया में एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद ऑफसेट कमांड को एक्टिवेट करके ऑफसेट डिस्टेंस स्पेसिफाई करेंगे, सपोज 0.2, और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद वर्किंग विंडो में जाकर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इनसाइड या आउटसाइड क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ऑफसेट डिस्टेंस से रेक्टेंगल शो हो रहा है। अब सपोज हम आउटसाइड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट है, इसीलिए हम रेक्टेंगल की किसी भी सिंगल लाइन का ऑफसेट नहीं दे सकते हैं। अब अगर हमें सिंगल लाइन का ऑफसेट चाहिए तो हम एक्सप्लोड कमांड का यूज करेंगे। तो अब हम लाइन को सिलेक्ट करके
कमांड विंडो में X टाइप करके एक्सप्लोड कमांड को एक्टिवेट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मल्टी एंटिटी में कन्वर्ट हो गया है। अब हम ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे तो सिंगल लाइन में ऑफसेट शो होगा, मतलब जब ऑब्जेक्ट सिंगल एंटिटी में हो तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ऑफसेट हो जाता है, बट जब ऑब्जेक्ट मल्टीपल एंटिटी में हो तो सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट ही ऑफसेट होता है। अब लाइन कमांड की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। इसके बाद ऑफसेट कमांड को एक्टिवेट करके ऑफसेट डिस्टेंस स्पेसिफाई करेंगे, सपोज 0.2, और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वह ऑफसेट डिस्टेंस पर शो होने लगेगा। लेकिन फुल ऑब्जेक्ट का ऑफसेट शो करना हो तो इसके लिए कमांड विंडो में जॉइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से ऑफसेट कमांड को एक्टिवेट करके ऑफसेट डिस्टेंस स्पेसिफाई करेंगे, सपोज 0.2, और एंटर प्रेस करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफसेट डिस्टेंस पर शो हो रहा है। इसी तरह ड्राफ्टिंग में हम जॉइन और एक्सप्लोड कमांड का यूज करके ऑब्जेक्ट को ऑफसेट में शो कर सकते हैं।